इनका विवाह तो हो चुका है, आज विट्ठल रुक्माई के मंदिर में। आपको पता है अभी थोड़ी देर पहले हमने आपसे कहा था कि आज एक बहुत ही अलौकिक जोड़े का विवाह भी हुआ था वहाँ, इन्हीं का था। अमित जी आप क्या कह रहे हैं, ईशान की शादी कल होने वाली है, वो भी रीवा से। आपको शायद कोई गलत फहमी हुई है। कोई गलत फहमी नहीं हो रही, आपका बेटा और हम कह रहे हैं कि इसका विवाह हो चुका है, तो आप लोग इस सच को कैसे झुठला सकते हैं? ईशान क्या क्या बोल रहे थे तुम? मैं सुन रही हूँ, बोलो बोलो क्या बोल रहे थे? ये पंडित जी क्या बोल रहे हैं, अब शादी की तुम? पंडित जी सही कह रहे हैं रीवा, मेरी शादी हो चुकी है। तुम्हारे साथ नहीं, सभी के साथ। सुन लिया सब लोगों ने, मेरी शादी हो चुकी है, रीवा के साथ नहीं, सभी के साथ। पंडित जी सच बोल रहे हैं, और सभी और मैं अब पति पत्नी है। अरे क्या करता मैं, सभी की ताई की जान खतरे में थी, मुझे उनकी जान बचानी पड़ी, इसलिए मुझे शादी करनी पड़ी। ये बात मैंने आप सब लोगों को कितनी बार बताने की कोशिश की, किसी मेरी एक भी सुनी क्या? काका साहब मैं आपके पास आया था कि नहीं बताइए मुझे, आपको बोलना चाह रहा था ना मैं, आपने क्या कहा? ईशान अभी नहीं, बाद में बात करेंगे। दिमाग खराब हो गया तेरा, कब बात की तूने? बोलना, कब बात करने की कोशिश की तूने? अभी थोड़ी देर पहले जब आपको लगा कि मैं शादी से डर गया हूं, तब आपने मुझसे क्या कहा? शान कपड़े पहन ले, तैयार हो जा। लो हो गया तैयार, मैं कपड़े पहन लिए मैंने, पर हो गई ना मेरी शादी सभी से, अब सभी मेरी पत्नी है। रीवा के पास भी गया था मैं, वो अपने ब्लाउज की गुड्डू। तुम मौका आया तो मेरी बात सुनो, जो तुमसे अब जरूरी बात कहनी। रीवा मेरी शादी हो चुकी है, तेरे पास भी आया था ना मैं, तुझे कितनी बार बताने की कोशिश की मैंने, तूने मेरी एक बार भी सुनी? 100 बार तुझसे मैंने कहा कि मेरे को 2 मिनट दे दे, 2 मिनट दे दे, मेरी बात सुन ले। अपने दोस्त की परेशानी समझ में नहीं आई तुझे? मेरी आंखों में दुख नजर नहीं आया तुझे? कैसा दोस्त तेरे, इतना नहीं जान पाया? सबको बताने की मैंने कोशिश की, मजबूर था मैं, मुझे शादी करनी पड़ी, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, कोई रास्ता नहीं था मेरे पास, सभी की ताई को बचाने का मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने फैसला लिया, सभी का हाथ पकड़ा, उसे मंदिर ले गया और मैंने उसे शादी कर ली।